जय बाबा। पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोग ये बताया गया था कि कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, ये सब योग जितने भी इनके मार्ग है, जो प्रमुख मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने के, जो प्रमुख मार्ग है ये सारे योग। और ये सब होने के बावजूद भी इंटरनल जर्नी में हम लोग चले भी जाते हैं तो भी आगे का जो मार्ग है वो हमको समझ में नहीं आता है। मतलब पथ प्रदर्शन पाने में हम लोग असफल हो जाते हैं आगे का मालूम ना होने से, या प्रॉपर गाइड ना मिलने से, या सद्गुरु की भेंट अगर नहीं हुई तो क्या हो जाता है, ये लास्ट टाइम हमने पूरा लिया था। अभी इसको आगे चलते हैं। इस मार्ग के अंदर में पूर्ण पुरुष मतलब सद्गुरु, पूर्ण पुरुष की अनिवार्य सलाह उसके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करने के लिए होती है। हम जब भी सद्गुरु को अपना पूरा आत्मसमर्पण करेंगे तभी हमारी अपनी जो आगे की यात्रा जो है परमात्मा तक पहुंचने की वह सफल होती है। रेस्ट लास्ट टाइम मैंने बताया था, अभी उसको नहीं दोहराते हैं, आगे चलते हैं। चंद लोगों को अपना, चंद लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग में हैं, वो अपना मन धन जितना भी है, अपने बिलोंगिंग जितना भी है, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। वेरी गुड, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। और इस प्रकार वे अपने पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ सद्गुरु को चेतनतया खुद अपने अहम निर्मित अहम भी समर्पित कर देते हैं। मतलब वो सब अपना सब कुछ, मतलब अपना खुद का अस्तित्व जो है, अहम जो है, अपनी जो रियली अपनी जो अपना अहम जो है वो फॉल्स है, वो भी समर्पित कर दे। हमको ऐसा लगता है कि हमारा हम जो है रियल है, पर हम वो भी समर्पित करने के बाद कर देते हैं, तब भी उन स्वयं का उनका अस्तित्व कर्म करने के लिए चैतन्य रूप से बचा हुआ रहता है। क्यों क्यों बचा हुआ रहता है? हमने सब कुछ अर्पण कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया? कुछ भी नहीं बच गया, पर एक चीज़ और बच गई है, और वो है तुम्हारा झूठा अस्तित्व। आपने अपना मन दे दिया, ओके, अपना शरीर दे दिया, अपने बिलोंगिंग दे दिए, जितने भी थे सब कुछ दे दिया, पर आपने अपना झूठा मन, अपना झूठा अस्तित्व जो है वो कहाँ समर्पित किया? वो आपके पास में है, और इसको नष्ट करने के लिए सद्गुरु के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। तो आगे वो कहते हैं, तब भी स्वयं उनका अस्तित्व कर्म करने के लिए चैतन्य रूप से बचा हुआ रहता है, जो कर्म अब केवल सद्गुरु के आदेशों से ही क्रियाशील होते हैं। हमारे अपना जो झूठा अस्तित्व है उसके जो कर्म जो है, जिस कर्म के द्वारा हमको उसको नष्ट करना है, वो कर्म हमारे बचे हुए हैं। उस कर्म को नष्ट करने के लिए सद्गुरु की आज्ञा के बाद, जो आज्ञा वो हमको देते हैं, उस आज्ञा के द्वारा, उनकी आज्ञा का पालन करने से, उनको समर्पण करने से, उनके प्रेम करने से, हमारे अपने ये जो झूठे अस्तित्व के जो संस्कार जो है, जो कर्म जो है, वो नष्ट होते हैं। बाकी किसी से भी ये नष्ट नहीं होते, जो क्लियर कट उन्होंने जो दिया हुआ है। इसीलिए पिछले इसमें हमने देखा योग अच्छे हैं, पर आप उस योग के द्वारा एक लिमिटेड स्टेट तक, परमात्मा की लिमिटेड स्टेट तक आप पहुंच सकते हो, उसके ज़्यादा, उससे आगे आप नहीं जा सकते, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करें यार, ये मास्टर तो ये कहता है, वो मास्टर वो कहता है, वो एक मास्टर है वो ये कहता है, अरे जाए तो किसके पास जाए? तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यही उन्होंने, बाबा ने बताया पिछले, कंफ्यूज हो जाते तुम। पर सद्गुरु के पास में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कहाँ जाना चाहिए? सद्गुरु के पास में जाना चाहिए, बराबर है कि नहीं? पर आपको लोग ऐसे मिलेंगे, नहीं नहीं हमारे जो सद्गुरु, हमारे जो मास्टर है वो सद्गुरु है। अरे भाई आपको कैसे मालूम है सद्गुरु है? सद्गुरु सद्गुरु को पहचानता है, अवतार ही बता सकता है कि कौन सद्गुरु है या नहीं है, पर हम अपने से ही बोल देते कि नहीं वो सद्गुरु हो गए, और उसकी फिर स्तुति करना चालू कर देते। ढूंढते तो हम है ही नहीं,
क्योंकि ढूंढने में तकलीफ होती है, तो इसलिए रेडीमेड अगर कोई सदगुरु मिल गया तो बढ़िया है ना। इधर ढूंढने का कौन कौन तक तकलीफ लेगा कि इसको ढूंढते बैठो। कर्म केवल सदगुरु के आदेशों से ही वह क्रियाशील होते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। हम जब भी कितना गर्व हमको होता है कि मैंने अपने मास्टर को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी, मैंने सब कुछ दे दिया, मेरी सारी संपत्ति दे दी, और हजारों लोगों को यही बताते रहते हैं सवेरे से लेकर शाम तक कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो दिया। अरे भाई साहब, आपने जो दिया ना वो 10% है, आपका आपके अंदर में जो आपका झूठा अस्तित्व है वो 90% है। ये अपने को समझ में नहीं आता। और आप हम लोग इसी में हैं कि मैंने सब कुछ दे दिया, वेरी गुड, अच्छा है, बुरा थोड़ी है कि दे दिया, वेरी गुड, अच्छा है। पर अब जब सदगुरु के पास में जाओगे तो अपनी आँख तभी खुलती है, अवतार के पास जाओ तब अपनी आँख ये खुलती है कि सही में यार हमने इतना सब कुछ देने के बावजूद भी जो कुछ भी हमने दिया वो 5% भी नहीं है, क्योंकि हमारा झूठा अस्तित्व 90% है, 95% है। इसीलिए इनका कहने का मतलब ये है एक्चुअली। आगे में ऐसे कर्म साधक के अहम के आत्मसमर्पण के बाद अब उसके खुद के कर्म नहीं रह जाते। हमने आत्मसमर्पण कर दिया सदगुरु को, बराबर है, पर अभी हमारे जो कर्म जो है वो हमारे नहीं रह गए, क्योंकि आज्ञा हम उसकी अभी है, हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और वो आज्ञा का पालन करते करते वो परमात्मा जो सदगुरु अवतार जो है वो हमारे अपने कर्म जो है वो नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये कर्म जो है ये किसी भी योग के द्वारा, किसी भी तपश्चर्या के द्वारा, किसी के द्वारा ये नष्ट नहीं होते। और आगे कहते हैं, यही कारण है देयरफॉर ये कर्म सब कर्मों का उल्लंघन उन्मूलन करने के लिए क्षमता रखते हैं। जो सदगुरु के जो है ये तुम्हारा पूरा जितना भी गंदगी है जो बची हुई है वो साफ कर देती है, साफ कर देती है। कैसे वातावरण होता है सदगुरु के वहाँ पे, अगर हम पढ़े उसको तो ऐसे लगता है कि अगर हम वहाँ जाए, मेहर बाबा अगर वहाँ बैठे हुए गुरु प्रसाद के अंदर में और वो ताश खेल रहे हैं और एक आधा समझो योगी आ गया तो वो बोलेगा अरे ये लोग इनको अवतार बोलते हैं, ये तो ताश खेल रहे हैं यहाँ पे, अरे ये तो कुछ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आध्यात्मिक नहीं, कुछ कुछ पढ़न नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कोई ऐसे कोई कर्मठ लोग जो है जो आते थे तो बाबा बोलते भाई अपने वो पत्ते जो है नीचे नीचे रखो और ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। ये है परमात्मा का सेंस ऑफ ह्यूमर। कौन कहेगा कि ये अवतार है, नहीं कहेगा, पर जो जो परमात्मा के प्रेमी है वो उसको स्वीकार करेंगे। यस, यही है कि जो आपको हस्ते भाग अवतार और सदगुरु का जो ये रहता है तरीका कैसा रहता है, हंसते हंसते वह आपको उस परमात्मा तक लेके जाते हैं। हंसते हंसते आपको पता भी नहीं चलता कि हमको वो कहाँ तक लेके गया, मतलब जो जो क्रॉस करने के लिए हमको 1,00,000 जन्म लगेंगे मान लो, तो वो 1 जन्म में तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे, और वो हंसते हंसते आपको पता भी नहीं चलता कि हमारी प्रगति कितनी हो गई है क्या। अगर हम अपने प्रयत्न से जब भी जाते हैं ना तो हमको इतना गर्व हो जाता है कि हम दूसरे को ऐसा देखते हैं ना, अरे इस आदमी को कुछ भी नहीं आता है, मैंने तो इतने साल तपश्चर्या की, और वहीं हम खड्डे में चले जाते हैं। इसलिए उन बाबा का कहने का मतलब ये था कि वो बता क्यों रहे, क्योंकि जीवन का पोषण करते हैं और उनको स्थिर रखते हैं, जो हमारे स्वयं के हमारा जो स्वयं का एग्जिस्ट है वो एग्जिस्ट कर्मों के द्वारा ही बना हुआ है, वो कर्म ही है। जब वो कर्म निकल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, और ये जो कर्म के संस्कार है ये इस कर्म को बनाए रखते हैं। कब तक? जब तक सदगुरु से मिलन नहीं हो जाता तब तक ये बना रखते हैं। जब उससे मिलन हो गया आगे की प्रोसेस चालू हो गई।
तब जीवन क्रमशः निर्जीव हो जाता है। जब उसके पास में जाओगे, मेहर बाबा के साथ में जो थे वो क्या बोलता था, हमारा जीवन निर्जीव है। उनका उनका अनुभव था, अपना अनुभव नहीं है। वो क्या बोलते, हमारा जीवन कैसे है, निर्जीव है। कई बार लोगों ने भागने की कोशिश की तो उनको पकड़ के लाए। बोलता है अनंत जन्मों के बाद आप मिले हो, अब आप भाग नहीं सकते। और आगे में निर्जीव हो जाता है और इवेंचुअली सद्गुरु की कृपा से अपनी अंतिम मृत्यु को हम प्राप्त हो जाते हैं। अंतिम मृत्यु मतलब इस माया जाल से छुटकारा। अंतिम मृत्यु का मतलब है कि हम जीवंत हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर हम डेड हैं, डेड टूवर्ड्स दिस माया, दिस यूनिवर्स। पर हमारा कार्य शुरू है, खाना पीना, नौकरी धंधा पानी, जो कुछ भी होगा, दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। पर हम इस दुनिया के लिए मरे हुए हैं, इसलिए कहते हैं हम अपनी अंतिम मृत्यु को हम प्राप्त हो जाते हैं। अंतिम मृत्यु मतलब यूनियन विथ गॉड। पर कर्म जो है वो अभी हमारे कर्म नहीं रहे, क्योंकि हमारे कर्म तो खत्म हो गए। अभी वो रियल जो कर्म जो है परमात्मा के, जो गुरु ने अपने को दिए हैं करने के लिए, वो कर्म जो है कार्य करते रहते हैं, कि जिसका हमारे ऊपर में नए संस्कार नहीं पैदा होते, इसीलिए वो इसका महत्व है। जीवन जो किसी समय सतत अस्तित्व का अनुभव करने के प्रयास से परिश्रम करते हुए साधक को रोक के रखता था। पहले हमारा जीवन कैसे है, हमारा जीवन हमको परमात्मा तक पहुंचने के लिए, हमको हमारा जीवन हमको बाधा है, मतलब एक रोड़ा बन गया है। क्यों रोड़ा बन गया है, क्योंकि हमारे संस्कार माया के हैं, हमारे संस्कार अज्ञान के हैं, और ये हमारा जीवन जो है, लाइफ जो है, वह लाइफ जो है वह फॉल्स लाइफ है, खोटा है। अभी हमको सही लगता है पर वो खोटा है, वो झूठा है, क्योंकि वो रियलिटी का प्रोडक्ट नहीं है, वो माया का प्रोडक्ट है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे जितने भी संस्कार जो है जिससे हमारा जीवन बनता है, वह जीवन जो है वह हमारा ही जीवन, हमारे आध्यात्मिक मार्ग में हमारा रोड़ा बना हुआ है। साधक को रोक देता है, रोका था। अब वह खुद अपने झूठ, अपने अस्तित्व जो झूठ है, अभी वो हमारा अस्तित्व जो है अभी रियल बन गया है। अभी हमारे लिए वह झूठ नहीं रह गया, पहले तो झूठ था, अभी हम अब जो कुछ भी हमने खो दिया वो झूठ ही था। झूठ को कार्य का रूप नहीं दे सकते, मतलब हम अभी सद्गुरु ने जो आज्ञा दी हमारा, या हमने जो कुछ भी एक्शन किया वो कर्म झूठ भी हो, पर वो हमारे नए संस्कार नहीं निर्माण कर सकते। क्यों, कि हमारे पुराने संस्कार सब सद्गुरु के द्वारा नष्ट हो गए। कार्य का रूप नहीं दे सकते, नए नहीं बन सकते, क्योंकि आप अभी उसकी गाइडेंस में हो, आप अभी उसकी सेवा कर रहे हो, आप उसका आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, सब कुछ जो भी कर रहे हो, खाने पीने से लेके श्वास लेने तक जो संस्कार बनते हैं सब उसी के हैं, और इसलिए वो नए संस्कार नहीं बनेंगे। और आप पीछे के बाजू जाने तो सवाल ही नहीं, पीछे वो आगे, पीछे कुछ नहीं, अभी आगे आगे में। ये कर्म अन्य सब कर्मों का उन्मूलन करने की क्षमता रखते हैं। सद्गुरु के कर्म कैसे, ऐसे कि सारी उन्नता रखेंगे। पर आप सद्गुरु की कृपा से अगर कोई कर्म करते हो तो दूसरे के कर्म जो है वो आप नष्ट करते हो। मतलब सब कर्मों का उन्मूलन करने की क्षमता रखते हैं। आपके द्वारा भी किया हुआ कर्म दूसरों के कर्म जो है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, कि आप अभी सद्गुरु की छत्रछाया में सद्गुरु का कार्य कर रहे हो। इसीलिए जो जीवन का पोषण करते हैं और उसको स्थिर रखते हैं, हमारे अब ये है बागड़े जी है, अब ये बागड़े जी का जीवन चल रहा है, पर सद्गुरु से कनेक्टेड या सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला कोई शिष्य होगा तो इनके जो संस्कार जो है, जो इनको बांध के रखे हुए हैं और ये उनके जीवन में बंधे हुए हैं, उस संस्कारों को नष्ट करने का कार्य भी सद्गुरु आपके द्वारा कर लेते हैं। क्योंकि सद्गुरु इनके तक पहुँच नहीं पहुँचेंगे तो सद्गुरु अपने किसी को भेजते हैं कि जो तैयार हो गया है,
कहने का मतलब ये है कि आप मरे हुए हो, आप डेड है, बराबर है, आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, आप छूमंतर छूमंतर कुछ नहीं कर सकते, वो आप कुछ दे भी नहीं सकते और कुछ ले भी नहीं सकते, पर फिर भी सद्गुरु ने दिया हुआ जो कार्य जो है वह करते टाइम आप जो कर्म जो है, तुम जो कर्म है जो परमात्मा के ही कर्म ये है, वो जो संस्कार जो है उसके द्वारा आप दूसरों के जो है वो नष्ट करके उसको आध्यात्मिक मार्ग में आगे लेके जाते हैं। उनका कहने का बेसिस ये था एक्चुअली, उनको स्थिर रखते हैं, इनके जो संस्कार स्थिर है, हमारे संस्कार स्थिर, सबके संस्कार स्थिर है, पर उनके जो शिष्य जो है, जो उनके साथ में है, मंडली है, प्रेमीजन जो है, वो ये कार्य करते हैं। मेहर बाबा के प्रेमीजन जो है पूरे वर्ल्ड में थे, पर वो प्रेमीजन वो कार्य करते थे कि जो उनको पता भी नहीं चलता था कि मेहर बाबा ने अपने को ये करने के लिए क्यों कहा, आप यहाँ पे जाओ, ये जाओ, वो जाओ, उधर, वो उनको लेटर या टेलीग्राम जो भी कुछ भेजते कि आप ये करो वो करो, क्यों, क्योंकि वो ऐसे तैयार हो गए थे कि उनको अभी अपना कुछ नहीं था, जो थे परमात्मा के कर्म है, आप काम करो और मानव जाति को उद्धार करो, जो भी उनका होगा। तब जीवन क्रमशः निर्जीव हो जाता है, अपना जीवन मायावी है, अपना जीवन अज्ञान का है, अपना जीवन जो लाइफ जो है, जो भी एक्शन कर्म हम लोग करते हैं वह सब का सब निष्क्रिय है। पर इससे हम कितना प्रेम करते हैं, बहुत, सवेरे से लेकर शाम तक हम वही रटते रहते हैं, वही, उससे हमारा दिल नहीं छूटता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तब जीवन क्रमशः निर्जीव हो जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से अपनी अंतिम मृत्यु को तुम प्राप्त हो जाते हो, सद्गुरु की कृपा से। जीवन जो किसी समय सतत अस्तित्व का अनुभव करने के परिश्रम करते हुए बाधक को रोक रखता था, अब वह खुद अपने छल को कार्य का रूप नहीं दे सकता। पहले हमारा जीवन हमको परमात्मा तक जाने तक रोकता था, पर वो जब पर्दा जब उन्होंने हटा दिया तो हम फ्री हो गए। अब हमारे कर्म जो है वो हमको बंधनकारक नहीं है और हमको आगे जाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि नए संस्कार तैयार नहीं हो गए, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं आप, इसीलिए मेरा बोलते हैं कि मेरा कार्य करो। बाबा क्यों कहते हैं मेरा कार्य करो, लव मी, मेरा कार्य करो। जब हम वो कहते हैं कि मेरा कार्य करो, तो जो संस्कार उन्होंने तुमको दिए हैं, चाहे आप समाधि से मिले हो या चाहे जब वो जीवन तो उससे मिले हो, कुछ ना कुछ तो आपको दिया है। क्योंकि वो क्यों कहते हैं कि मेरा कार्य करो, मानव जाति को मेरे बारे में बताओ, तुम्हारा काम है बताने का, झगड़ा वड़ा करने का नहीं है। भैया ये मेहर बाबा है, ये ऐसे कहते हैं, आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो ठीक है, अगर कोई आता है तो आ जाइए, इधर नहीं आता तो नहीं आता है। पर वो उनका कहने का मतलब ये था कि आप मेरा कार्य करो, आगे का मैं देखूंगा। पर हम कार्य नहीं करते, वैसा नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि यार क्या बताए, अगर राम का कुछ कार्य होता तो ठीक है, मंदिर बनाना है तो चले, बहुत सारे लोग आते, पर यार मेहर बाबा का कार्य करना है तो कोई आता ही नहीं है। हम लोग डरते हैं बोलो या शाय हो जाते हैं बोलो, कि हमको कैसा बोले इनको कि ये परमात्मा है, ये अवतार है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मेरा कार्य करते करते तुमको एक दिन इस बात की प्रचिति होगी कि मैं कौन हूँ। वो ऐसे ही उन्होंने थोड़ी बोला है कि मेरा कार्य करो, ऐसे थोड़ी बोलता है। जिसको वो दिया है वो कार्य, उससे से आपको ये प्रचिति होगी कि असल में मैं कौन हूँ। और इसीलिए खुद कार्य का रूप नहीं दे सकते, वो ठीक है। फिर कहते हैं कि मैंने खुद में ये सब होने के बाद, फिर ये सब होने के बाद कहते हैं मैंने भूतकाल में पहले भी, मैंने जोर देकर ये बात आप मानव जाति को कही है और मैं तुमको अभी वही बतला रहा हूँ, और युगों युगों तक मैं आपको यही बताते रहूँगा कि तुम अपने जीवन का, अपना जीवन मतलब अपना लाइफ, जो जामा या अंगरखा जो है, जो वेल जो है, जो पर्दा जो है,
पर्दे को आप उतार के फेंक दो और सत का साक्षात्कार करो जो शाश्वत तुम्हारा है। आप अपने झूठे अस्तित्व को उठा के फेंको, जो अंगरखा का बोला है या जामा बोला है जो भी है, तो वो लाइफ जो है तुम्हारा, वो लाइफ जो है वह तुम्हारे आध्यात्मिक इसमें वो रोड़ा पैदा करता है। और इसीलिए वो कहता है कि यह मैंने बार बार बताया है, सभी युग में बताया है, आज भी बताता हूँ, आगे में मैं ये बताते रहूँगा कि ये आपको करना है। आगे में कहते हैं कि यह अनचेंजेबल, इंडिविजिबल, ऑल परवेडिंग एग्जिस्टेंस, ये परमात्मा का वर्णन किया उन्होंने कि निराकार निर्गुण परमात्मा कैसे है, सगुण साकार में वो कैसे होता है, वह अपरिवर्तनीय है, वह अखंड है, सर्वव्यापी है, दिस एंड दैट, उसके बारे में अपन ने बहुत सारा पहले देखा है। अभी आगे चलते हैं। सत्यता का अनुभव करने के लिए सबसे सरल मार्ग है मेरे प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करना। अगर आपको इस मार्ग में आना है तो कहते हैं कि आपको मुझे सरेंडर होना पड़ेगा। लास्ट जो रीडिंग हमने किया उसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, ये वो सब का वर्णन उन्होंने किया। बाद में ये बताया कि ऐसे नहीं है कि वो ठीक है मार्ग, ओके अच्छे है, पर उस मार्ग के अंदर में बहुत ही कम, वेरी वेरी फ्यू लिमिटेड जो है वह आखिरी तक पहुंच सकते हैं, वेरी फ्यू लिमिटेड। अरे तो ये लिमिटेड के लिए, इतने लोगों के लिए थोड़ी परमात्मा आया, परमात्मा तो सबके लिए आया हुआ है। जब उसको पशु पक्षियों का उद्धार करना है तो मानव का तो करना ही है ना। फिर तो इसीलिए वो कहते हैं कि आत्मसमर्पण आपको करना है, इतने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना है कि तुम्हें अपने आत्मसमर्पण करने की जो भावना या इच्छा है ये भी आप भूल जाओगे कि मैंने मेहर बाबा को आत्मसमर्पण किया है। आप जब भी उनका कार्य करते हो तभी आपके मन में जो हमारे भी शुद्धिकरण होता है, उसका जब भी कार्य करते हैं तो हमारा भी शुद्धिकरण होता है और हमारे में भी अनेक दोष है, ऐसे कुछ नहीं है, पर वो धीरे धीरे आपका भी प्यूरिफिकेशन होता है नंबर वन, और उसके बाद में आप ये भूल जाते हो कि मैं उनका कार्य कर रहा हूँ, ये भूल जाते हो। क्या कहते हो, आत्मस्मरण करने टाइम आप अपने नहीं रहते हो, खुद के नहीं रहते हो, आप उसके बन जाते हो, परमात्मा के, और अपना कार्य चालू रखते हो। और इसीलिए इतने पूर्ण रूप से आत्मसमरण करना कि तुम्हें अपने आत्मसमरण करने की चेतना भी नहीं है कि मैंने इनका आत्मसमरण किया, कुछ नहीं है। आंध्र प्रदेश में एक, मैंने जो कहानी पढ़ी थी, एक गृहस्थ थे, उनके घर में उनके भाई की डेथ हो गई, बराबर है। वो भाई को अग्नि दे देने के बाद दूसरे दिन वो मेहर बाबा का झोला एक लेके, पॉम्पलेट और लेके चला अपना घर, गांव के अंदर में घूमते घूमते मेहर बाबा के बारे में लोगों को बताने के लिए। कुछ नहीं, जब तक है तब तक उनकी सेवा करो, नहीं है तो ठीक है किसी और की सेवा करो, बराबर है। क्योंकि अपने सभी अपने ही है, अलग तो कोई है नहीं, पर ये भावना अपने मन में नहीं आती है, ऐसे कहते नहीं आती है। तो इसीलिए बात है कि तुम मेरा कार्य कैसे करो कि तुम ये भूल जाओ कि आप किसी का कार्य कर रहे हो, ये मेरा आपको ऑर्डर है, आज इसका करते रहो। केवल मेरी आज्ञा का पालन करने तथा जब और जो कुछ मैं आज्ञा दूँ वही करने की चेतना रहे, जो मैंने बताया है वो करो। यदि तुम नित्य जीवन का मतलब हो गया कि सेवंथ प्रे, नित्य जीवन मतलब एवर लास्टिंग एग्जिस्टेंस, अपना एग्जिस्टेंस कैसे है, क्षणभंगुर है, वो कैसे है, एवरलास्टिंग है, इसलिए यह नित्य जीवन रहने की इच्छा अगर आपकी है, करते हो, तो तुम मेरे प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण आपको करना चाहिए और करने की आप करो और अपने झूठ अहम की मौत करने की अभिलाषा करो। अपना झूठा एग्जिस्टेंस है वो मर जाए,
इसकी अभिलाषा करो। मर जाओ मतलब काटने का नहीं है उसको, मर जाओ का मतलब है वो जितने भी तुम्हारे भावना है, इच्छा है, वो सारी की सारी नष्ट हो जाए, दैट इज मरना है। मरना है मतलब सब गंदगी जो है वो चली गई, अच्छे और बुरे सब चले गए। पर ये इसीलिए बोलते हैं कि ये अवतार का कार्य कैसे होता है और अवतार कैसे कार्य करते हैं कि आपने उनको देखा भी नहीं मान लो, पर इसके बावजूद भी आप उससे प्रेम करते हो, आप उसके साथ में जुड़े रहते हो, आप उसका कार्य करते हो, बराबर है। वो क्या बोलते हैं कि आपने अपना तन मन दे दिया, आपने अपना करोड़ों रुपए भी दे दिया उसको, सब कुछ दे दिया। लास्ट टाइम मैंने बताया था वहाँ जाके बैठे चुपचाप, और वहाँ तुमको फायरिंग मिल रही है। सवेरे दाल रोटी मिलती है, शाम को दाल रोटी मिलती है, खाओ उसको 3 महीने 4 महीने। अपन दाल रोटी खाएंगे चौथे दिन तो भड़क जाएंगे एकदम, ये क्या खाना बनाया, धीरे 4 दिन हो गए तुम दाल रोटी खिला रही हो, और वो 6-6 महीने दाल रोटी खा रहे और चुप है, चुप है, कुछ नहीं। कितना पेशेंस होगा उन लोगों में, और कितने अनंत जन्मों की उनकी तपश्चर्या होंगी ऐसे ऐसे प्रेमी जनों की, जिनको अवतार और सद्गुरु के यहाँ पे रहने का भाग्य मिलता है। मौत करने की अभिलाषा करो। यह योग, जितने भी योग है, अल्टीमेट फॉर्म होते हैं कि जितने भी योग है, ये सारे योगों को अगर इकट्ठा किया जाए, उससे भी महत्व का जो योग है और जो ज्यादा प्रोडक्टिव है वो यह योग, सब मिलकर किसी एक किए गए योगों का सार है। जितने भी योगों का इकट्ठा करो, उसका सार जो है वो ये है कि मेरी आज्ञा का पालन करो, मुझे से प्रेम करो और मुझे सरेंडर हो जाओ। मन ये बात कभी नहीं मानता कि अपन सरेंडर हो जाए, नेवर नेवर, क्योंकि इस मन को युगों युगों से यह आदत लगी हुई है अपना अस्तित्व को बनाए रखने की, और जो अस्तित्व मन बनाते रहता है वह है झूठा अस्तित्व। उस झूठे अस्तित्व को नष्ट करना, मन अपने ही अस्तित्व को, खुद को, मन को नष्ट करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए अपने को कहा जाता है कि ये योग करो, तपश्चर्या करो, ये करो, वो करो, दान धर्म करो, जो कुछ भी ऐसा करो, ताकि कैसे भी करके आप अपने मन के विरुद्ध कार्य करो। अब मन ये तो तैयार होगा नहीं, तो सीधा रास्ता क्या है, सद्गुरु को पकड़ो, अवतार को पकड़ो। तो ये जो चैप्टर जो था ये यहीं आज समाप्त करते हैं, और दूसरा नेक्स्ट टाइम जो दिया है वो उन्होंने दिया है 4 जर्नीज का मतलब है कि 4 जर्नीज मतलब पहला जर्नी जो मैंने लास्ट टाइम हमने देखा था, अभी यहाँ पे नहीं है वो डायग्राम में, 4 जर्नीज जब ही हम 7th प्लेन में पहुँच जाते हैं, जब ही मैं परमात्मा हूँ कि हमको ज्ञान हो जाता है, तो वो है जब भी आदमी जीवात्मा का शिवात्मा बन जाता है, या जो ब्रह्मीभूत स्टेट है वह है, वहाँ तक जब भी हम पहुँच जाते हैं, जो कि सारे ब्रह्मांड का, सारे सृष्टि का लक्ष्य यही है, मैं परमात्मा हूँ की स्थिति में जाना सभी को, ये नंबर 1। पर उसमें से कुछ और थोड़े ही जो सोल है, आत्मे जो है, वह आगे के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनको मैं परमात्मा हूँ का भी ज्ञान है, मैं अनंत हूँ का भी ज्ञान है, और मैं मानव हूँ इसका भी ज्ञान है, पर उन्हें कोई ड्यूटी नहीं है ब्रह्मांड में। तीसरा जो है वो है सद्गुरु, कि जिनके पास सब कुछ है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, जितने सद्गुरु जो है वो, पर उनको ड्यूटी है कि मानव जाति को सबको परमात्मा तक लेके जाने का। और चौथी जो है वह है सद्गुरु का परमात्मा में विलीन हो जाना बाद में अल्टीमेटली, पर उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, वो जैसा है वो वैसे ही बना रहता है। जैसे सेकंड तुकाराम होना नहीं है, या सेकंड रामदास स्वामी होना नहीं है, सेकंड साई बाबा होने वाले नहीं है, साई बाबा एक ही है। तो अगर कोई बोले कि मैं तो ये गलत है, राहुल तो गलत है, तुम जो दूसरा सदगुरु होने वाले नहीं है, उसी प्रकार के अलग अलग हो जाएंगे, वो बात अलग है, पर ऐसे नहीं हो जाएगा।
और वो चौथी जो है वो सदगुरु अपने आप को वो अनंतता में उनका विलय हो जाता है। तो अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।